आप सभी को नमस्ते। मैं चित्रन और आज हमारे सामने मौजूद है रोहित कुमार शर्मा। तो रोहित जी आपका स्वागत है। तो मैं चाहता हूँ कि रोहित जी सबसे पहले आप अपना परिचय दें कि जिस तरीके से आप लेखन कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और आपने अभी ये बुक लिखी है रिफ्लेक्शन ऑफ लव। तो सबसे पहले इस पुस्तक की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक परिचय दें कि आपकी जर्नी क्या रही, आप क्या कर रहे हैं अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है और मैं टोंक जिले के ग्राम डोंडिया का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक कृषक हैं और वहाँ ही मेरा होम बर्थ टाउन है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, ग्राम डोंडिया से। इसी के साथ जब मैंने 2013 में मैं एक प्रोफेशन का कार्य था, टीचिंग प्रोफेशन का, तो मैं प्राइवेट स्कूल में अध्यापन करता था। तो उस समय जब मैं बच्चों को पढ़ाता था लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, या जब भी मैं खुद कुछ ड्रामा नॉवेल्स ड्रामा एंड शॉर्ट स्टोरीज पढ़ता था, तो उस टाइम इस संबंधित कुछ विचार मेरे मस्तिष्क में आते रहते थे। क्योंकि आपका मस्तिष्क एक बिना लगाम का घोड़ा होता है जिसमें आपके विचार ऑटोमेटिक आते हैं। एक दिन में कई सारे विचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं। वो व्यक्ति किन विचारों को अपने मस्तिष्क में लेता है और किन विचारों को वो यूज में लेता है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मस्तिष्क एक ऐसी चीज होती है जो विचारों का एक भंडार होता है। इसी प्रकार से ऐसे विचार, लव से संबंधित कुछ विचार, कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य मेरे माइंड में आने लगे कि आज का समाज में प्यार को किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से प्यार को समझा जाता है। आज के युवा प्यार करते हैं पर उस प्यार को वो अपने एक्चुअल तरीके से ले, उसकी पॉजिटिव थिंग्स ले, उसको अच्छे से एंजॉय करे। और ये जो बुक है वो इससे संबंधित ही नहीं है कि एक जो लव है वो एक लड़के और लड़की के बीच ही हो। ये बुक पुस्तक के अंदर आपको सभी प्रकार के प्रेम दर्शाए गए हैं, जैसे आपको माँ पुत्र के बीच प्रेम दर्शाया गया है। यहाँ इस पुस्तक में यही बताया गया है कि जो सबसे बेस्ट लव होता है वो माँ का होता है, मदर का जो लव होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इट्स अ यूनिवर्सल लव इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बेस्ट लव माँ का माना गया है। आपके जैसे पिता पुत्र के बीच में प्रेम दर्शाया गया है, माँ का प्रेम सभी बताते हैं, लेकिन जो पिता का जो प्रेम होता है, पिता जिन सेक्रीफाइस करता है, जिस जिस प्रकार से बच्चे के ऊपर अपनी सभी चीजें नौछावर कर देता है, तो उस प्रेम को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पुत्र अपने माँ बाप के प्रेम को सही साबित करता है और बाद में जब माँ बाप को पुत्र की आवश्यकता होती है तो पुत्र उन्हें इग्नोर कर देता है। उन चीजों को भी इस पुस्तक में बताया गया है। यहाँ बताया गया है एक भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम होता है वो सबसे अथाह प्रेम होता है, सबसे बेस्ट लव माना गया है। आप अगर डेवोटी और गॉड के बीच के प्रेम को देखें तो वो भी एक पवित्र प्रेम होता है, प्योरिटी और प्योरिटी प्रेम होता है। उसके बारे में भी यहाँ पर पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रेम इस पुस्तक में आपको बताया गया है। इसमें नेगेटिविटी संबंधी चीजें बिल्कुल भी नहीं है पुस्तक में। आपको हर जगह पॉजिटिव मिलेगा, हर पॉइंट पर आपको पुस्तक के अंदर पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी। कहीं भी नेगेटिविटी के कोई चांस यहाँ पर पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ पुस्तक में उन चीजों के बारे में बताया गया है जो आज के समाज के अंदर जिस प्रकार से कुछ लोग अपने प्रेम को या कुछ लोग किसी पर आकर्षण हो जाते हैं और आकर्षण के चलते वो अपने प्रेम के चक्कर में या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या अपने हिंसात्मक जैसी चीजों को अटेम्प्ट कर लेते हैं, जैसे तेजाब डाल देना, जैसे किसी का जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ छेड़खानी करना या किसी का रेप कर देना। इस प्रकार से संबंधित जो चीजें घटनाएं
समाज में घटती है, जो घटनाएं अपने आसपास देखने को मिलती है, कई जगह समाचार पत्रों में देखने को मिलती है, उन चीजों को देखकर भी इस पुस्तक का निर्माण किया गया था कि व्यक्ति भावनाओं में ना बहे, इतना भी भावनाओं में ना बहना चाहिए जिससे वो कोई गलत अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाए। तो उस चीजों को देखकर इस पुस्तक को बनाया गया है। अभी आपने इस पुस्तक के बारे में बताया, काफी अच्छी डिटेलिंग बताई आपने कि पुस्तक क्या कहना चाहती है। तो रोहित जी, मैं बात जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि मतलब आपने कब से तो लिखना शुरू किया, एक तो इसकी टाइम आपने कब से लिखना शुरू और कब जाकर ये पुस्तक कंप्लीट हुई। सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि कब से लिखना शुरू। देखिए, ये पुस्तक को मैंने 2013 में शुरू किया गया था, क्योंकि एक जब ये विचार मेरे माइंड में आ रहे थे तो मैं एक जगह पढ़ाता था, तो वहाँ कोई स्टूडेंट था तो मैं बच्चों को बता देता था कि मैं कोई पुस्तक लिखने की सोच रहा हूँ, लेकिन बच्चों को मैंने कभी ये रेफर नहीं किया मैं लिखूंगा लॉ पे लिखूंगा, कई बच्चों को मैंने रेफर नहीं किया। तो मैं बच्चों को क्लास में जब भी थोड़ा टाइम मिलता था या वैकेंट टाइम में तो बच्चों को बता देता था कि मैं पुस्तक लिखने की सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे लिखूं, लेकिन बच्चों को मैं कभी ये रेफर नहीं करता था कि लॉ पे लिख रहा हूँ मैं। इसी प्रकार एक टीचर्स डे का टाइम था तो मेरे एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने मेरे को एक अच्छी सी जो डायरी होती है, बड़ी वाली डायरी थी वो, तो लगभग 400-500 पेज की लगभग डायरी थी, तो उस स्टूडेंट ने मेरे को डायरी दी कि सर अचानक आ गया मेरे पास में और आकर सर आप एक दिन बोल रहे थे कि मैं पुस्तक लिखूंगा तो आप सर इस आपने पुस्तक को इसमें लिखिए, इस डायरी में जरूर लिखिए। तो उसी दिन से, वो दिन था और उसी दिन से मैंने उस पुस्तक को लिखना शुरू कर दिया। 2013 का दिन था, टाइम था वो 5 सितंबर 2013 का टाइम था, शिक्षक दिवस था, तो उस दिन से मैंने उस पुस्तक को लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखता गया, माइंड में जो विचार आते उनको लिखता, जब भी टाइम मिलता लिख देता, कुछ विचार आते चले जाते, फिर अकेले में बैठने की आवश्यकता पड़ती, विचारों को वापस कलेक्शन करना पड़ता, पुस्तक के अंदर रखना पड़ा, कुछ चीजें पढ़ी, पढ़ने के बाद उसका सार निष्कर्ष पर गए, तब जाकर पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक को मैंने अंतिम बार तो लिखाऊंगा, पर मैंने इसको 2018 में इस पुस्तक को मैंने लिखकर रख दिया था और उसी टाइम मैंने इसको कंप्यूटर के अंदर खुद टाइप भी कर दिया था। अब किस प्रकार से कंप्यूटर में टाइपिंग होती, मुझे कंप्यूटर आता था पर इतना प्योरिटी कंप्यूटर नहीं आता था, जैसे मेरे को पेज मिला उस पेज में निकाल कर लिख देता था, टाइप कर देता था। तो 2018 में लास्ट टाइम मैंने इसको लिखा था, बट जब मुझे इसके प्रकाशन के बारे में किसी से सूचना मिली कि इस प्रकार से आप किताब का प्रकाशन करा सकते हो, तो मेरे माइंड में एक आशा ये जगी कि मुझे वाकई में किताब का प्रकाशन कराना चाहिए। तो 2021 का टाइम था, सितंबर 2021, तो जैसे ही हमारा रीट जैसे शिक्षक का एग्जाम था उसको देने के बाद में मैंने इस पुस्तक के कुछ लास्ट के जो पॉइंट है मैंने उस टाइम इनको लिख के कम्प्लीटली इस पुस्तक को पब्लिश करवाया। वो पुस्तक आज आपके सभी के सामने है, आप आराम से इस पुस्तक को देख सकते, पढ़ सकते। तो जैसा कि आपने कहा कि अभी कि मैं लिखना चाहता था पुस्तक, पुस्तक तो जो ये जो मन है ना लिखना चाहता था, जैसा कि हम देखते हैं कि आज की सोसाइटी में यहाँ के पों के खासकर कल्चर में इस तरह का लिखना करना, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें कम है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ आई कि मैं लिखना चाहता हूँ, जबकि इस तरह का स्कोप यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। yes. तो आपके अंदर जो ये जो बिंदु चमका ना कि मैं लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कि क्या किस तरह का आपके अंदर विचार आया कि यार मुझे लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए इसकी तरफ आगे बढ़ने का जो विचार है ना, क्योंकि हम कोई किसी भी चित्र में आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे ना कुछ कारण जुड़ा हुआ होता है कि कोई बिंदु जुड़ा हुआ रहता है, तो वो बिंदु जानने की चाहता हूँ कि वो क्या बिंदु था आपका। देखिए, जो बिंदु था वो इस प्रकार था कि जैसे विचार आते थे, कई बार हमने विचारों को अवॉइड किया, विचार आते थे चले जाते थे, लेकिन कई बार ऐसे विचार आते थे जो माइंड को बिल्कुल भी माइंड के अंदर घूमते रहते थे वो विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे विचार थे
जो हमें पता था कि अगर हमने इन विचारों को लोगों के सामने रखा तो हो सकता है लोगों में कुछ प्रभाव पड़े, लोगों में कुछ चेंजेस देखने को मिले, जैसे अपन कुछ गलत चीजें भी देखते हैं सोसाइटी समाज में, उस चीजों को देखने के जस्ट बाद उनसे उनके सॉल्यूशंस माइंड में आते थे कि अगर ये व्यक्ति इसकी जगह इन सॉल्यूशंस को काम में ले लेता तो हो सकता था इस व्यक्ति के साथ गलत घटना नहीं घटती, कहीं व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि इस वर्ड को बार बार ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर सुसाइड इसी एज में होते हैं, लगभग 30 से 32 साल के बीच में बहुत ही सुसाइड होते हैं, मतलब 18 से लेकर 30-32 साल के बीच में सुसाइड होते हैं, क्योंकि यहां पर इंसान अपने प्रेम के कारण सुसाइड कर लेता है, अपने जो जिससे वो प्रेम करता है, जिसको वो चाहता है, या प्रेम नाम दे देंगे अपन, लाइफ नाम देंगे, क्योंकि जिसको वो चाहता है, चाहने वाला व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता तो इसके विरह में कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, वो गलत है। तो उन चीजों को मैंने देखा और उन चीजों को देखकर मैंने ये निर्णय लिया कि अगर शायद अपनी बात इन लोगों के पास में पहुंच जाए, इन लोगों के माइंड में बात पहुंच जाए, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं घटे जो गलत घटनाएं समाज में घट रही है। जैसे कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिससे लोग व्यक्ति अनभिज्ञ होता है और अनभिज्ञता अवस्था के अंदर इंसान इस प्रकार की गलत अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो इंसान सोचता नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि इंसान के पास केवल एक ही प्रेम नहीं होता, एक लड़का लड़की का ही, मैंने पहले भी कहा था, लड़का लड़की का ही प्रेम नहीं होता, प्रेम कई सारे होते हैं, वहां प्रेम आपका जा रहा है तो इसके अलावा भी और प्रेम है, उन प्रेम को अडॉप्ट कीजिए आप। टू लव लॉस इज द बेस्ट, टू लव लॉस इज नेवर द बेस्ट, टू लव लॉस इज नेक्स्ट बेस्ट, ये कहा गया है कि आपका एक प्यार अगर, एक चाहत अगर जा रही है, वो प्यार नहीं चाहत है, वो चाहत अगर आपकी जा रही है तो आपके पास में और भी रास्ते है जिसके द्वारा आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर सकते हो, ना कि आप कोई गलत घटनाएं बता सकते हो। और जैसे पुस्तक को लिखने का मन था तो उस टाइम विचार इस प्रकार क्या थे कि अपन को तो लिखना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और शुरू से ही मेरी लेखन के अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी और मैं शुरू से ही, मेरा एक टारगेट था एक लेखक बनने का, एक राइटर बनने का। जब भी किसी राइटर को पढ़ता था तो सोचते थे ऐसा ही अगर अपन भी राइटर बन जाए तो हो सकता था जिस प्रकार से अपने पर प्रभाव हो रहा है इन राइटिंग्स का, इन ड्रामास का, इन नॉवेल्स का, इन एसेज का, तो ऐसा प्रभाव हो सकता है कि अपन ने अपनी बुक्स से कुछ लोगों को चेंज भी कर दिया तो भी मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यस प्लीज। तो आपकी ये पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑफ लव, तो अगर आप साथी, हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं, उन साथियों को अगर आप एक उदाहरण में इस पुस्तक को बताना चाहो कि यार मैं कहना चाहता हूँ इस पुस्तक से मेरा ये, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लव का कोई एक उदाहरण के साथ अगर आप साथियों को बता पाए कि यार मैं ये बात इस उदाहरण के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ तो बता पाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो आपके सामने जो बुक है रिफ्लेक्शन ऑफ लव, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ बुक लव में बताया गया है कि ये प्रेम का प्रतिबिंब, कि अपन प्रेम को किस दृष्टि से देखें, प्रेम को देखने की दृष्टि, कि अपना विजन क्या है, प्रेम इन चीजों को देखने का विजन क्या है। मैंने बुक लिखी, बुक लिखने के बाद परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, मित्रों में, जहां मैं पढ़ाता हूं वहां या आसपास के क्षेत्र में, वहां जगह बहुत प्रभाव पड़ा कि इन्होंने लव पे बुक लिखी है और लव पे बुक लिखी है तो एक अटपटा सा व्यक्ति समझने लगी, मतलब डायरेक्टली कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा कि लव पे लिखी है। वो लोग रियलिटी के अंदर वास्तव में नहीं जानते कि व्हाट इज लव,
वो ये जानते हैं वो लोग कि लव तो केवल एक ही होता है, लड़के लड़की का प्रेम, जो जो लड़का किसी लड़की को भगा कर ले जाता है, लव मैरिज कर लेता है, वही लव में लव होता है। इट इज नॉट लव, लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, लव इस संसार की सबसे सुंदर फीलिंग है। और लव को अगर आपको समझना है तो लव के अर्थ को समझो। लव का अर्थ क्या कहता है? लव का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम होता है परम, परम का मतलब होता है सुप्रियर, सुपीरियर मतलब ये संसार का सबसे श्रेष्ठ वर्ड है, सबसे बेस्ट वर्ड है, वो माना गया लव, प्रेम को। उस प्रेम के अलावा ऐसा कोई शब्द नहीं है संसार के अंदर। लव में ईश्वर बसते हैं, लव में आत्मा बसती है, और लव में परमपिता परमात्मा बसते हैं, लव में हमारा स्टेटस बसता है, लव में सब कुछ बसता है। क्या नहीं है लव? लव पहले भी लव होता था, पहले भी लव को माना जाता था, पहले भी प्रेम को माना जाता था, कृष्ण के समय भी प्रेम को माना जाता था, और मॉडर्न टाइम में भी प्रेम को माना जाता। ऐसा कोई एज नहीं है जहां पर प्रेम की परिभाषा नहीं दी गई, जहां पर प्रेम के स्तर नहीं दिए गए। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां प्रेम उपस्थित नहीं होता। प्रेम फॉरएवर है, प्रेम नेवर बी किल्ड, प्रेम को मारा नहीं जा सकता, प्रेम नेवर बी कट, प्रेम को काटा नहीं जा सकता, लव नेवर बी बर्न, और लव को जलाया नहीं जा सकता, नव नेवर नेवर लव नेवर बी लॉन, और लव को उड़ाया नहीं जा सकता। लव तो अमर है, लव इमोर्टल, लव अमर है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि लव इज नेचुरल थिंग्स, लव कांट बी टॉट, लव नेचुरल चीज है, लव को सिखाया नहीं जा सकता। बट यू कैन टीच द हेट, तुम नफरत करना सिखा सकते हो, पर प्रेम करना नहीं सिखा सकते हो। प्रेम तो अपने आप होता है, और प्रेम एक नेचुरल चीज होती है। तो बिल्कुल या इस पुस्तक में यही बताया गया है। नेगेटिविटी इस पुस्तक में बिल्कुल भी नहीं है, अपन नेगेटिविटी देखते बिल्कुल भी नेगेटिविटी इसके अंदर नहीं है। यस प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको परिभाषित किया लव। तो रोहित जी एक बात मेरे अंदर चल रही थी कि आजकल अगर हम सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी की ओर आगे बढ़ते हैं, तो एक अट्रैक्शन नाम का जो शब्द है ना, वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है, और लव के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। या आप भी शायद देखते होंगे लोगों का लव के प्रति अलग ही अट्रैक्शन है, कि वो अट्रैक्शन करते हैं, किसी को देखते हैं तो वो समझते हैं कि मुझे प्यार हो गया। तो एक तो अट्रैक्शन और लव, ये दोनों में क्या अंतर है, इसको आप डिफाइन करोगे कि वो किस तरीके से सोसाइटी में दिखता है? देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन, मतलब लव और अट्रैक्शन के अंदर अंतर होता है। अट्रैक्शन अपन किसी की आकर्षण अवस्था से होता है, किसी की सुंदरता से अट्रैक्शन हो गया, किसी की क्वालिटी से अट्रैक्शन हो गया, या किसी के कोई अच्छे काम से प्रॉपर अट्रैक्शन हो गया। लेकिन लव में अट्रैक्शन का सुप्रीम वर्ड होता है, लव अट्रैक्शन का काफी ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहां इंसान उन क्वालिटी को, उन सुंदरता को, या उन सभी को पैरेलल रख के बिना चेंजेस उनसे लव करता है। मतलब अट्रैक्शन केवल टाइम के अकॉर्डिंग होता है। सपोज किसी व्यक्ति को किसी की सुंदरता से अट्रैक्शन हो गया, लेकिन साल भर के अंदर उस व्यक्ति की सुंदरता चली गई, उस चीज की सुंदरता चली गई, तो उसके अंदर ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर व्यक्ति को किसी से प्रेम हो गया, किसी चीज से प्रेम हो गया, तो वो जीवन भर रहता है। मैंने पहले भी कहा है लव इज फॉरएवर, लव इज इमोशनल, प्रेम हमेशा रहता है, प्रेम हमेशा रहता है, लेकिन अट्रैक्शन हमेशा नहीं रहता। जैसे ही उस चीज की क्वालिटी, उस चीज की सुंदरता, उस चीज के गुण जाते हैं, अपना अट्रैक्शन गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम उस चीज को प्रेम हो जाता है, तो सुंदरता जाए, क्वालिटी जाए, कुछ भी जाए, प्रेम तो आपका अथक रहेगा, प्रेम तो हमेशा वही रहेगा। तो प्रेम और अट्रैक्शन में यही डिफरेंस है।
कि प्रेम चेंजेबल नहीं होता, अनचेंजेबल होता है, बट अट्रैक्शन चेंजेबल होता है। अट्रैक्शन चला गया अपना, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहां पर लव में ये मैटर नहीं करता। लव तो अमर है और अट्रैक्शन अमर नहीं है। यहाँ पर इसकी अपन इसके बारे में परमानेंट बोलते हैं अपन, टेम्परेरी अट्रैक्शन टेम्परेरी है बट लव परमानेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो रोहित जी एक और मतलब जब अभी आप जो बोल रहे थे उसी को चलते चलते मेरे अंदर एक और विचार आया कि विचार इस तरह का है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज की सोसाइटी को लेकर हम इस किताब के ऊपर बातचीत करें, वो इम्पोर्टेंट है कि भाई सोसाइटी में पुस्तक किस तरह से प्रभावित कर रही है। तो एक और चीज मेरे अंदर चल रही थी कि देखो कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, तो सुसाइड जो घटनाएं हम देखते हैं तो सुसाइड में मैंने सुना है कि अधिकतर घटनाएं जो होती है लव के कारण ही हो रही है। इस तरह की घटनाएं काफी सुनने को मिलती है। अभी जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ आपको कि एक दोस्त था कि वो मतलब आपस में प्यार था, वो एक लड़का लड़की दोनों को प्यार था, लेकिन वो घर की कुछ परेशानी थी जिसके कारण दोनों ने ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें से तो लड़की का तो हो गई थी, वो डेथ हो गई थी, लेकिन लड़का भी कूदने की कोशिश कर रहा लेकिन वो बच गया। तो लोगों ने ये सवाल उठाया कि नहीं प्यार करना गलत है, प्यार से जाने क्या हो जाएगा, नहीं लव में पढ़ना ही नहीं चाहिए, जबकि होता हो लव तो होना जरूरी है, जिस तरह आप कह रहे हो। तो फिर तो किस तरह से इस तरह की जो घटनाएं घट रही है सोसाइटी में, तो कि लव को इस तरीके से नेगेटिव फील्म में देखा है, नेगेटिव तरीके से, तो क्या आप क्या कहना चाहोगे साथियों को इसके बारे में? देखिए जो सुसाइड होता है वो सुसाइड इंसान कब करता है पहले तो अपन को ये समझना चाहिए। सुसाइड इंसान करता है कि उसकी आखिरी स्टेज आने पर, स्टेज का मतलब ये नहीं कि उसकी एज की आखिरी स्टेज आ गई या उसकी मरने की अवस्था आ गई, ये नहीं कहना चाहता मैं। कहना चाहता हूं कि जब वो अपने आप से हार जाता है, जब वो अपने आप से हार जाता है, संसार से हार जाता है, तब इंसान सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करता है। क्योंकि इंसान ये सोचता है कि मेरी लाइफ में अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो मेरी लाइफ में सुसाइड के अलावा कोई भी ऑप्शन बचा हुआ नहीं है, लेकिन ये सोचना उसका गलत है। अगर उस टाइम वो थोड़ा और सोचे सुसाइड करते टाइम, वो इंसान थोड़ा और सोचे, अगर उसके माइंड में विचार आ रहा है कि मुझे सुसाइड करना है, किसके लिए करा सुसाइड? अपने प्रेम प्रेमिक, अपने प्रेमी और प्रेमिका के लिए, उसके लिए सुसाइड कर रहे हो तुम। अगर तुम आज सुसाइड करोगे तो समझ लेना कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप परमात्मा को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो। जो परमात्मा ने आपको ये मानव शरीर दिया गया है या परमात्मा ने आपको ये मानव रूप दिया है, इस रूप का तुम गलत यूज कर रहे हो। सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको केवल प्रेम करने के लिए भेजा है क्या? प्रेम मतलब किसी को चाहने के लिए भेजा है? आपने लव किया वो आप पे डिपेंड है, किसी से प्रेम किया वो आप पे डिपेंड है। लेकिन ये जरूरी तो है नहीं कि जिससे आपने प्रेम किया उसी से आपका विवाह हो, विवाह नहीं होगा तो साहब हम सुसाइड कर लेंगे। इट्स योर सेल्फिश, ये तुम्हारी स्वार्थ पर है। क्योंकि तुम्हारा इस समाज में आकर या इस मानव जीवन में आकर और भी कर्तव्य करने होते हैं, और भी कर्तव्य आपको निभाने होते हैं। परमात्मा ने आपको एक ही चीज से प्रेम करने के लिए थोड़ी दिया है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ो उसी से प्रेम करो, और प्रेम अगर आपको आपको वो व्यक्ति नहीं मिलता, नहीं मिलने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस व्यक्ति से आपका विवाह नहीं होता तो आप सुसाइड कर लोगे। और भी कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, जिन माँ बाप ने आपको जन्म से पाला है, पोसा है, आपका पोषण किया है, आपके लिए सेक्रीफाइस की है, आपके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया है, उन माँ बाप को आप धोखा देकर एक दिन सुसाइड कर रहे हो। उन और कोई दूसरा ह्यूमनाइजेशन एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज है, आपके प्रोफेशन है,
आपके और भी क्षेत्र हैं, कार्य हैं, आपकी स्टडी है, उन सभी को छोड़कर आप सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, क्या सही है? केवल एक चीज के लिए, केवल एक बिंदु के लिए आप सोचो, आप सोचो। जब भी सुसाइड करने का मन करे, क्योंकि किसी के भी माइंड में आ सकता है, क्योंकि जब हम अपने प्रयास में अटास हो जाते हैं, जब हम अपने प्रयास में अटास हो जाते हैं या अपने चाहत को प्राप्त करने में अटास हो जाते हैं, तो हम ऐसे विचार माइंड में आने लगते हैं, क्या मैं सुसाइड कर लूं? तो उस टाइम हमें सोचना चाहिए कि क्या ये एक काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ था, इसके अलावा और काम करने के लिए जन्म नहीं हुआ था। एक लिस्ट बनाए उस टाइम आपके सारे एक्टिविटीज की, लिस्ट बनाए सारे एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटीज आपको करने लाइफ में, जितने भी आपके ड्रीम हैं, और उन लिस्ट के अंदर आपका ये चाहत को भी रखो, उस चाहत को भी उस लिस्ट के अंदर रखो, फिर बताओ आप सुसाइड करने का मन आएगा तो 10-12 आपके लिस्ट के अंदर नाम आ जाएंगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और मुझे ये काम भी करना है। तो उन काम को भूल जाओ और वो एक काम के लिए आप सुसाइड कर लो, दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत है कि आप केवल अपने सेल्फ के लिए सुसाइड कर रहे हो, खुद के लिए सुसाइड कर रहे हो, आपको दूसरों की परवाह नहीं है, आप तो चले जाओगे लेकिन दूसरों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, क्योंकि आपके पास और भी तो एक्ट हैं। जरूरी है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जिनको बिना प्यार, जिनको अपनी चाहत नहीं मिलती, और जब चाहत नहीं मिलती तो बहुत ही अच्छा काम कर जाते हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जब दिल टूटता है, जब दिल टूटता है तो इंसान का माइंड काम करने लगता है, और जब माइंड काम करने लगता है तो इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो बहुत अच्छा निकल जाता है माइंड के द्वारा, या तो वो कुछ अलग कर देता है, या वो इंसान बन जाता है, मतलब एक मेंटलिटी अवस्था में चला जाता है, पागल अवस्था में चला जाता है। तो ऐसा करो कि सामने वाला इंसान मजबूर हो जाए आपको अपनी मंजिल देने के लिए, ऐसा आप काम करिए। बिल्कुल। तो रोहित जी, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से कोई एक टॉपिक जो आपको बहुत ही प्रभावित लगता है, आप चाहते हो कि या नहीं, मैं साथियों को ये टॉपिक तो जरूर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, उसका मतलब समझाना चाहता हूँ, तो कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहो तो जरूर प्लीज पढ़िए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी बुक प्रभावित है। हाँ बिल्कुल, पूरी बुक प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर आपको लव से संबंधित चीजें बताई गई हैं, प्रेम की डेफिनेशंस बताई गई हैं, प्रेम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है, और रूल्स ऑफ लव क्या हमें अप्लाई करने हैं जब आप लव को एंजॉय कर रहे होते हो, लव को एंजॉय कर रहे होते हो या लव को आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो आपको कौन कौन से रूल अपनाना चाहिए, तो रूल्स आपको बताए गए, लगभग 60 रूल्स इसमें हैं। इसके बाद में आपको कुछ चीजें पीछे मिलेगी, इसे मान लो वन साइडेड लव, इंसान का अगर वन साइडेड लव होता है तो उस समय इंसान को किस प्रकार से अपने आप को संभालना चाहिए, और मैं ये चाहता हूं वन साइडेड लव का मीनिंग बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, लोगों में वन साइडेड लव होता है ये माना जाता है, लेकिन वन साइडेड लव तो मतलब ये है कि लव ऑलवेज वन साइडेड, लव हमेशा वन साइडेड ही होता है, अगर आप साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखते हो तो। क्योंकि अब जब आप मिलते हो उस टाइम भी, और जब आप सेपरेट होते हो, बिछुड़ते हो उस टाइम भी, क्योंकि हमेशा आपके मस्तिष्क में अलग अलग विचार होते हैं, एक विचार नहीं होता। हमारे समाज में यही कहा जाता है कि लव वन साइडेड वो होगा जिस व्यक्ति का अकेला ही प्यार करे, दूसरा व्यक्ति उससे प्यार नहीं करे, एक ही प्यार करे, दूसरा प्यार नहीं करे, वही वन साइडेड, और डेफिनेशन से वन साइडेड। और वो इंसान, जो इंसान अकेला रहता है या जो इंसान एक ही प्यार करता है, वो इंसान ये सोचता है कि मेरा तो वन साइडेड लव है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि वन साइडेड लव में भी रिलेशनशिप होता है,
क्योंकि वो उस समय खुद से रिलेशनशिप जोड़ लेता है, एकांत मन से रिलेशनशिप जोड़ लेता है, भावनाओं से रिलेशनशिप जोड़ लेता है। अगर वो समझे तो उसमें भी वो एंजॉय फील करता है, अकेलेपन में भी वो आनंद फील करता है। तो लव इज ऑलवेज वन साइडेड, लव हमेशा वन साइडेड होते हैं, इसको कभी टू साइडेड नाम मत दीजिएगा, लव ऑलवेज वन साइडेड। इसके अंदर एक चीज बताया गया ब्रेकअप, कई बार ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप के असली जो भाई ब्रेकअप के फायदे बताए गए, ब्रेकअप के नुकसान थोड़े बहुत नुकसान होते हैं, और ब्रेकअप से हमें किस प्रकार से ओवरकम करना है, मतलब किस प्रकार से हमें ब्रेकअप से जीतना है, हमें किस प्रकार से ब्रेकअप का सामना करना है, उन चीज़ों को यहाँ बताया गया है। ब्रेकअप क्या चीज़ होती है, ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि ब्रेकअप में वो व्यक्ति ज़्यादा, ब्रेकअप में जरूरी नहीं कि दोनों ही रोएं, ब्रेकअप में केवल वो इंसान ज़्यादा तड़पता है जो इंसान ज़्यादा सेक्रीफाइज होता है, जो इंसान खुद पहले ही ज़्यादा सेक्रीफाइज होता है। एक इंसान एंजॉय करता है ब्रेकअप में और एक इंसान ज़्यादा रोता है, क्योंकि अगर दोनों ही रोए तो उनका ब्रेकअप नहीं है, अगर दोनों ही इंसान रो रहे हैं तो उनका ब्रेकअप नहीं है, क्योंकि वहाँ दोनों के बीच में प्रेम है, वो एक नॉर्मल सी फाइट है जो एक दो दिन के लिए या एक महीने के लिए, सपोज को कुछ टाइम के लिए फाइट हो गई और एक टाइम के लिए वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तो उस टाइम से वो एक प्रकार से स्ट्रगल तो हो जाता है, एक प्रकार से आर्गुमेंट हो गया दोनों के बीच में। ब्रेकअप में एक व्यक्ति रोता है, एक व्यक्ति एंजॉय करता है, जो व्यक्ति छोड़ के जाता है वो व्यक्ति एंजॉय करता है, और जिस व्यक्ति को छोड़ा जाता है वो व्यक्ति एक्चुअली ब्रेकअप में काफ़ी वीपिंग सा फील करता है, काफ़ी इमोशनल फील करता है। तो इसमें एक सॉलिट्यूड, एकांतपन को बताया गया है कि हमें किस प्रकार से एकांतपन को एंजॉय करना चाहिए, एकांतपन से किस प्रकार से उभरना चाहिए, एकांतपन में अपन को कहाँ कहाँ इन चीज़ों को फील करना चाहिए, लव को फील करना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक, मैंने कुछ लिखा है इसके अंदर, वो आपको पढ़ के जरूर मैं बताऊंगा। देखिए केवल आपकी तीन चार लाइन है वो बता रहा हूँ मैं। लव द बेस्ट लव इज वन दैट मेक्स यू बेटर पर्सन, द बेस्ट लव दैट इज वन दैट यू मेक बेटर पर्सन। सबसे बेस्ट लव होता है जो आपको बेटर पर्सन बनाए, आपको बहुत अच्छा व्यक्ति बनाए, आपको चेंजेबल बनाए, या आपको अपने बारे में समझने योग्य बनाए, विदाउट चेंजिंग यू, बिना आपको बदले। वही तो लव होता है कि आपको बिना बदले, आपकी स्थिति में बिना बदले आपको बहुत अच्छा व्यक्ति बना दे, आपकी कंडीशंस सिचुएशंस में इतना इंप्रूवमेंट हो जाए कि आप खुद को समझने लगे इनटू समवन अदर देन योरसेल्फ। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये नहीं कि तू ये चीज अपने आप में चेंज कर तब मैं आपसे प्रेम करूंगा, तू इस चीज को चेंज कर तब मैं आपसे प्रेम करूंगा, मेरी बात सुन तब मैं प्रेम करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक बेटर पर्सन बनाते हैं, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे। लव क्या होता है, लव वही होता है, लव एक चीज वही होती है जो आपको खुद के समझ, खुद को समझने योग्य पर्सन बना दे कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ये बना दे। तो वही एक लव की रियल डेफिनेशन होती है, खुद को समझे, खुद की स्थिति को समझे, मुझे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए। जब आप खुद को समझ जाओगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी की भावनाएं बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आप हमेशा पॉजिटिव में जीओगे, नेगेटिव में आप नहीं जीओगे। रोहित जी, तो अभी आपने एक बात कही कि भाई अगर ब्रेकअप किसी का होता है तो यह तो एक व्यक्ति रोता है, एक व्यक्ति एंजॉय करता है। यस, तो अगर इसी बात के लिए मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति रोता है और एक व्यक्ति एंजॉय करता है, तो अगर मान लो किसी कारणवश उनका ब्रेकअप होता है, किसी कारणवश जिसमें कारण जुड़ा हुआ रहता है कि यार नहीं कि इस ये पारिवारिक समस्या आ चुकी है जिसके कारण हम दोनों को ब्रेकअप करना पड़ेगा, हम आगे अपना रिलेशन नहीं बढ़ा सकते, तो उस स्थिति में भी क्या यही स्थिति बनी रहेगी, क्या एंजॉय और रोना
देखिए वहां पर अगर आपके कोई कंडीशन है जिसकी वजह से आप सेपरेट हो रहे हो तो वहां ब्रेकअप नहीं, उसे ब्रेकअप नहीं कहेंगे अपन। यस, अगर कोई कंडीशन आ रही है उसकी वजह से आप सेपरेट हो रहे हो, सेपरेट मतलब पिछड़ रहे हो, सपोज करो कोई दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं, जैसे माँ और बेटे का प्रेम, अपन यहाँ नहीं लेते यहाँ लेते, माँ और बेटे का प्रेम है, माँ और बेटे का प्रेम में कभी ब्रेकअप होने की संभावना नहीं होती, बिल्कुल संभावना नहीं होती। अब वो कंडीशन यहाँ आ रही है कि साहब बेटे का सिलेक्शन हो गया और बेटा अमेरिका चला गया पढ़ाई करने के लिए और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है और माँ यहाँ रह गई। अब यहाँ पर जैसी कंडीशन आप कर रहे हो वैसी कंडीशन यहाँ पे हो रही है। कंडीशन तो वही है कि बेटा पाँच दस साल, पाँच साल के लिए बाहर चला गया, अमेरिका चला गया, माँ यहाँ रह रही है, माँ रोजाना बेटे की फोटो देख देख कर रोती है कि मेरा बेटा खाना भी खा लिया होगा, मेरे बेटे ने, मेरे बेटे की क्या कंडीशन होगी, मेरा बेटा ठीक होगा या कैसे होगा। वहाँ बेटा भी माँ के बारे में विचार करता होगा तो वहाँ ब्रेकअप नहीं है, वहाँ एक प्रकार से ब्रेकअप नहीं है, वो एक प्रकार से सेपरेशन है, पिछुड़ना है। और इस प्रकार की पिछुड़ना भी होता है तो इस प्रकार में मिलन भी जरूर होता है, इसमें मिलन भी उन लोगों का वापस दोबारा मिलन भी जरूर होता है। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप पिछड़ रहे हो तो मिलन भी जरूर होता है। एक लास्ट सवाल मेरा था कि अगर अभी वन साइडर लव की बात चल रही थी तो उसी को लेकर मेरी एक और बातचीत थी कि भी अगर मैं किसी से लव करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो हमारा प्रेम काफी चल रहा है काफी लंबे समय, उसके बाद ये होता है ना कि कई बार हम सुनते हैं कि मैं बात को थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, कई बार हम सुनते हैं कि कई स्टोरियों भी हम सुनते हैं, मूवीज हम देखते हैं कि उसमें तीन चार मतलब एक ही लड़का तीन चार जगह लव करता हुआ दिखाई देता है, कभी उसके साथ, फिर उसके साथ नहीं बना तो फिर इसके साथ, उसके साथ नहीं बना तो इसके साथ, तो जो श्रृंखला है लव की, तो आप इसे क्या कहेंगे? जैसे मान लो कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ लेकिन किसी कारणवश हमारा प्रेम टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, एक तरह से आप ब्रेकअप मान, अब मैं दूसरे के साथ मेरा लव हो गया, तो क्या वो भी लव था पहले वो भी लव, तो दूसरा बार जो हो रहा है वो भी लव, तो आप दोनों को लव मानिए या फिर किसको लव मानिए? नहीं, इसलिए वो जो आपकी कंडीशन होगी वो अट्रैक्शन पे जाएगी, कंडीशन सेकंड वाली, सेकंड वाली, क्योंकि वहां पर आपको किसी दूसरे से अगर लव होने के चांसेस हैं, लव तो हो सकता है, लव तो किसी से भी हो सकता है, लव तो अपन को किसी से भी हो सकता है, लव तो इस रूम से भी हो सकता है, लव तो रूम से भी हो सकता है, लव किससे भी हो सकता है, रोमांस तो अपन रूम से के साथ भी, मतलब रोमांस और लव, यहाँ पर लव होता है फीलिंग्स, कि आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है, आपको एक ब्यूटीफुल सी फीलिंग्स महसूस हो, सुंदर सी फीलिंग्स महसूस हो, जिसको आप एक वन साइडेड लव की टर्म दे रहे हो, एक प्रकार से वन साइडेड लव का टर्म दे रहे हो, इससे रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर वन साइडेड लव नाम की चीज होती नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा नहीं, क्योंकि लव ऑलवेज वन साइडेड, लव हमेशा वन साइडेड होता है, क्योंकि जहां पर दोनों जगह विचार अलग अलग हैं, आपके विचार अलग है, उनके विचार अलग है, तो टू साइडेड कैसे हो, टू साइडेड कैसे हो, कि आपके विचार जरूरी है कि आपने उसके विचार पढ़े कि उसके विचार में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। आपने दूसरी बार जब किसी दूसरी से आप मिले तो हो सकता है कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करे जितना आप पहले से करते थे, ठीक है? तो देखो प्रेम तो अपन कहीं भी कर सकते हैं, प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, इसमें ये कोई नहीं कि आप पर्टिकुलर पर्सन से ही प्रेम करो, प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, और भगवान श्री कृष्ण भी सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को लाइक करती थी, भगवान श्री कृष्ण उनको लाइक करते थे, तो वहां भी प्रेम था, भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे लेकिन उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ, तो वहां भी श्री कृष्ण प्रेम करते थे, तो यहाँ ऐसी कंडीशंस बन सकती है, इसमें कोई वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी आपको, कि जिस तरह से आपने इस किताब को लिखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लव, तो काफ़ी लंबे समय से लिख रहे थे, अभी जैसे आपने बताया कि 2013 से मैं लिखना शुरू किया और 2018 तक मैं लिखता रहा, तो बस एक छोटी सी बात कि आप जिस तरह से इस किताब को लिख रहे हो और लेखन लेखन कार्य में आपकी रुचि बढ़ी है, तो क्या आप इसे मतलब अपनी जो लेखन जो कार्य है
आप इसे आगे और बढ़ाना चाहते हो या फिर आप आगे किस तरह के टॉपिक पे आप लिखना पसंद करोगे? जरूर, मेरा हमेशा लिखने का जो विचार रहा वो एक सामाजिक चीजों पे लिखा, मतलब सामाजिक चीजों पे ज्यादा विचार रहा मेरे लिखने का। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखने का विचार रहा, बेरोजगारी पर, बेरोजगारी के साथ साथ एक अपने समाज में एक जहर फैल रहा है डाउरी सिस्टम का, उसके अगेंस्ट भी मैंने लिखा। क्योंकि जितना प्रभाव मुझे लव के वर्ड ने किया, लव की भावनाओं ने किया, उतना प्रभाव मुझे ये शब्द कर रहा है। इस पर मैं 3 साल से विचारशील हूँ, लेकिन मैंने उस पर लिखना कभी स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन 1-2 महीने से मैंने डाउरी सिस्टम पर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका समाज पर प्रभाव पड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ समाज में ये होता है कि एक जो फादर होता है, पिता होता है, बेटी का पिता होता है, वो सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने इतने रुपए किए तो मुझे इतना करना चाहिए। मेरे पड़ोसी के जो बेटी है उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मुझे उससे अबो पोस्ट वाला मिले, उसने उसको इतना पैसा दिया है 11 लाख दिया है तो मुझे 13 लाख देना चाहिए, 15 लाख देना चाहिए। और यही सोच एक पुत्री के पिता के मन में भी होती है, क्योंकि इंसान आज इंसान के रूप में नहीं है जब वो इस प्रकार के अटेम्प्ट करते हैं डाउरी सिस्टम। एक फादर है, पिता है, पुत्री का पिता, वो एक आपको एक तो बेटी दे रहा है और बेटी के साथ साथ आपको पैसा भी दे, ये जरूरी तो नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको साथ साथ पैसा भी दे कि साहब हम तो हमारे बेटे को आप आपकी बेटी से विवाह तभी करेंगे जब आप हमारे बेटे को 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 21 लाख रुपये दोगे तभी हम विवाह करेंगे साहब। तो ये सौदा क्यों कर रहे हो? आप अपने बेटे का सौदा कर रहे हो, अपने बेटे का आप जन्म आपने दिया, पाला पोसा आपने, और बेटे को बेच दिया साहब उसके विवाह के समय। मेरे बेटे को बेच दिया मैंने 12 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, तो बेचना ही हो गया। इट इज ए शेमफुल, एक शर्मिंदा शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग इस प्रकार के अटेम्प्ट करते हैं। यस प्लीज। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने कहा कि भाई सामाजिक चीजों के बारे में ज्यादातर लिखना पसंद करता हूँ, तो ये वाकई में अच्छी बात है कि आप अगर विचारशील है तो आप कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी जरूर दिखाई देगी, जैसे कि आपने इस किताब के जरिए अपनी कामयाबी को दर्शाया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लव पर आपकी काफ़ी अच्छी समझ है, आपने इस किताब को लिखा एक अच्छी समझ बन पाई, क्योंकि वाकई में अगर हम कई काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ पर काम करते हैं तो वाकई वो सक्षम जरूर होती है वो चीज़। तो एक बार फिर से धन्यवाद रोहित जी, और आपसे हमेशा मुलाकात होती रहेगी। हम चाहते हैं कि आप इस तरह की किताबें लिखते रहें और हमारे सामने प्रकाशित करते रहें। एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जो बुक के अंदर 1-2 स्टोरी मैंने मेंशन की है, तो उन स्टोरी को जब आप पढ़ो तो प्लीज मेरे कैरेक्टर पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बुक मैंने अपने कैरेक्टर पर नहीं ली, अपने ऊपर नहीं लेगी उन स्टोरीज को। उससे पहले आप एक बार एक्नोलेजमेंट जरूर पढ़ना, क्योंकि वहां लिखा गया है कि जो स्टोरी लिखी गई है वो इमेजिनेशन है, एक कल्पना पर आधारित स्टोरी है, एक एग्जांपल आधारित स्टोरी है, वो कभी मेरी लाइफ से आधारित स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें, कभी मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क मत कीजिएगा कि हो सकता है कि ये राइटर से संबंधित हो। यस, हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऐसा हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप सभी साथी अगर इस पुस्तक को चाहते हैं रीडिंग करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, रोहित जी से संपर्क कर सकते हैं, या जिम प्रेम जी फाउंडेशन में आपके सभी संपर्क कर सकते हैं कि इस किताब के लिए। तो हम इस तरह की चीज़ों को अब प्रकाशित करते रहते हैं कि कोई आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं प्रकाशित कर उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मंच आपके लिए स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध है। तो आप इस मंच पर किसी भी प्रकार की लेखन कार्य, अपना कोई भी कला के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप जरूर जरूर आमंत्रित हैं। तो एक बार और फिर से रोहित जी को धन्यवाद। थैंक यू सर। तो थैंक यू।